फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गलत साथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गलत साथ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, महिला विरोधी कौन है, कांग्रेस, कांग्रेस, महिला विरोधी कौन है, कांग्रेस, कांग्रेस, हमारी बहनों को प्रियंका गांधी से मिलवाओ, 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 प्रियंका गांधी होश में, होश में, होश में, 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 बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कार निकलो निकलो सर्व लड़कियों का हाथ लगा रहे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, लग जाएगी, लग जाएगी। चलो तुम तो अरे तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, कर रहे हो, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर, लड़की अंदर जाओ यार, अंदर घर जाओ, अंदर जाने दो, अरे लड़के को जाने दो, बच्चियों को तो लड़की देखो ये देखो ये क्या कर रहे हैं पुलिसकर्मी, ये देखो लड़ चलाई जा रही है, हमारी बहन को छेड़ रहे पुलिसकर्मी, निवेदन कर रहे हैं सर, अरे आना नहीं वहाँ पे लगा परिवार की बेटी जी प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश से भी नारा दिया था कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और अलवर में एक गूंगी बहरी 15-16 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, गुप्तांगों में हथियार डाल दिया तेज धार का, जिससे बड़ी ब्लीडिंग हो गई, 8 डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया है, वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है, उसकी व्यथा मेरे से नहीं सुने, पुरुषों से नहीं सुने, तो एक दर्शन से ज़्यादा युवतियां सवाई माधोपुर की, प्रियंका जी जिस शेरबाग होटल में रुकी है उसके दरवाजे पर बैठी है, मैं निवेदन करना चाहूँगा चैनल के जरिए प्रियंका जी से, जहाँ महिलाओं के प्रति संवेदनशील है विशेषकर दलितों के प्रति, और ये दलितों की बेटी के साथ अलवर में ये बड़ा गैंगरेप हुआ है, कृपया आप उन बच्ची को सुन के जो मांग रख रही है सुने, और राजस्थान के गूंगे बहरे मुख्यमंत्री को निर्देशित करें
जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इस घटना में जो लिप्त हैं वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार करके उनको फांसी पर लटकाया जाए।